अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों पर कार्यवाही जारी है। ऐसी कड़ी में आज फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग ने रेड की और ब्लैक में यानी अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वाले युवक को काबू किया। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ब्लैक से घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वाले युवक को काबू किया। जी हां, यहां से 75 घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ युवक को काबू किया गया। बिना ऑनलाइन बुकिंग की पर्ची के ये युवक गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी को घरेलू गैस सिलेंडर बेच रहा था। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से स्थानीय लोगों से एजेंसी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। 75 गैस सिलेंडरों को कब्जे में लेकर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। युवक घरेलू गैस सिलेंडर को 1050 रुपए में बेचने का काम कर रहा था। मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग को देखकर ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वाले मौके से लोग फरार हो गए। पिछले दिनों से लगातार सीएम फ्लाइंग की अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों पर कार्यवाही जारी। आज सुबह ये रेड की थी, 8:08 बजे सीएम फ्लाइंग आई थी, जिसके साथ फूड एंड सप्लाई और पुलिस की टीम थी, जिन्होंने ये गैस की गाड़ी पकड़ी है, महिंद्रा पिकअप, जिसमें 70 सिलेंडर थे, जिसमें 16 खाली थे और बाकी भरे हुए थे। इसको मौके से पकड़ा, इनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, ब्लैक मेलिंग करने लगे थे, ये अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे बिना पर्ची के ही। वो ऑनलाइन को रिकॉर्ड नहीं होता था, बिना रिकॉर्ड के इनकी सेल कर रही। फूड एंड सप्लाई ने अपनी तारीख दी है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करेंगे। जो मौके से मिला था उसी के नाम है, जो हरेंद्र नाम का लड़का था जो ये कर रहा था सारी कार्रवाई। स्वास्थ्य भारत गैस एजेंसी का ये लड़का है, उन्हीं की गाड़ी आएगी।